ले जी स्टार्ट करते हैं। हम ये करेंगे किस तरह, सबसे पहले तो ये मैं स्विच वगैरह उतार दूंगा इसके से, और ये प्लेट है, वैसे इसके ऊपर एक टैग सा लगा होता है तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैंने देखना है कि मैंने किस तरह क्या बटन रखने हैं और किस तरह क्या बटन नहीं रखने हैं, तो पहले मैं सोच लूँगा कि मैंने बटन किस तरह रखने हैं और डिमर किधर लगाना है। सबसे पहले तो ये है कि मैंने ये इस तरह बोर्ड लगाना है, घर में एंट्रेंस होगी और पहला बटन मुझे लाइट का रखना पड़ेगा, तो हमेशा आपने जो पहला बटन है वो लाइट का रखना है। तो मैं ये वाला बटन जो है इस पर एक लगाऊंगा बटन, ये वाला। अब ये लगाना कैसे है, इसको लगाने के जो हैं वो मेरी मदर मेरा वीडियो बनाने में साथ दे रही हैं, तो देखते हैं इसके अंदर। ये देखें ये पेच है जो आगे आपको खोलने पड़ते हैं, बाज़ होते हैं जो हाथ से ही खुल जाते हैं लेकिन बाज़ जो होते हैं वो प्लास से थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है, उसके बाद फिर ये जो है आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। ये हमने उतार लिया इस तरह। अब आपने एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है, ये इसका सीधा है, अगर ये एक इस तरह आया है इसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है, ऊपर ये डी सा बना हुआ है, तो ये जो ये एक ही तरफ आई ये चीज़ बटन, ठीक है। अब इसको लगा लिया, अब इसको यहाँ हाथ रखें, इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, जब घुमाएंगे तो उसके बाद आपने इधर वही पेच और इधर भी वही। असल में होता ये है कि मैं पहले भी बना चुका हूँ। अच्छा, इसे एक्सटेंशन भी बना सकते हैं आप, अगर मैं आपको तरीका बता दूँ तो इसे ही कोई एक्सटेंशन बना सकते हैं, बस आपने एक बटन रखना है, बाकी जो ये सॉकेट ये सारी इधर लगा देनी है। वायरिंग करते हुए मैं आपको बता दूँगा, बाकी मैं पहले बटन वगैरह लगा लूँ। ये बटन हो गया बल्ब का, ठीक है जी। अब इधर मैं एक बटन लगा दूँगा पंखे का, अच्छा जी ये देखिए मैंने ये सारा लगा लिया है। अच्छा ये मैंने जगह छोड़ दी, ये डिमर की है, डिमर का मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मेरा डिमर है वो अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गया है, इसका मसला है ये जो ये इसकी साइड्स है ना, ये और ये दोनों साइड्स जो हैं ये ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब कैसे हुई हैं कि इसका मैंने ऊपर तार लगा के तो ज़रा पेचकस से टाइट किया, इसे देखा चेक किया तो ये अनफॉर्चुनेटली ख़राब ही है, तो अभी मैं डिमर नहीं करूँगा मगर बता दूँगा आपको कि डिमर का करना क्या है। अभी ये जो मैंने लगाए हैं इन्हें सिर्फ हाथ से जो है ना थोड़ा सा मैंने टाइट किया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब प्लास के साथ, इसको प्लास कहते हैं, अब प्लास के साथ हमने किस तरह काम करना है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो इन्हें हाथ से जो है ना इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा जो है जितना आप कर सकें उतना सा कर लें, जी हाथ के साथ जो हमने कर लिया। अब प्लास के साथ किस तरह करना है, ये प्लास इसको इस तरह रखें इसके कट के ऊपर। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं कट है इसका, तो प्लास को इसको आपने पकड़ना है इस कट को ऐसे और थोड़ा सा जोर लगा के इस तरह, और इसी तरह बाकी को भी करना है। पहले एक साइड को कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, अगर ये ज़्यादा करेंगे तो इसका नुकसान है कि ये टूट जाएगा, मतलब कि इसका जो पेच लगा होता है ना इस बटन के साथ वो बहुत नाजुक होता है, तो वो मतलब कि ख़राब हो जाता है। तो मैं रेकमेंड आपको यही करूँगा कि आप आराम से काम करें, ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसने इतना ज़्यादा टाइट नहीं होना होता, मुनासब होता है ये, तो ये मुनासब ही आप करेंगे तो आपका काम ये हो जाएगा। अभी देखिए जी अब हो चुका है, अब ये सारे मैंने लगा लिए थे, ये अगर मैं मूव करूँ, बस ये इसमें देखें मूविंग है, अब क्यों मूविंग है, इसको टाइट नहीं किया हमने, इसको हम ये देखें ना टाइट हो रहा है अभी,
ये टाइट हो गया, अब ये देखें ये भी मूव नहीं हो रहा, बाकी कोई भी मूव नहीं हो रहा। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे, ठीक है जी। अब वायरिंग किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ एक डिफरेंट है। ये क्या डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ज़रा देख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कर लें, बाकी मैंने आपको एहतियात बता दी है, एहतियात इसकी यही है। अच्छा, लाइक ये जो तीन हैं, ये तीन हम अगर ये तीन की जगह ये पहले पर भी लगा होता और बाकी सारी जो है ये सॉकेट होती तो इसको भी वायर करना बहुत आसान था। आसान कैसे था, वायरिंग बिल्कुल सेम है इनकी, इनका भी डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, दोनों एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि आपने एक्सटेंशन अगर ख़राब हो जाए तो उसे ठीक किस तरह करना है, और अगर कोई मतलब कि नया बनाए तो किस तरह बनाएंगे। अब देखते हैं, मैंने इसके लिए वायर रखी हुई है, मैं वायर लेकर आता हूँ। ये देखें, ये जो वायर के छोटे छोटे पीसीस जो बच जाते हैं ये मैंने वो रखे हुए हैं। अब मैं इस वाली वायर को जो है वो यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ कैसे करूँगा कि मैंने इसे यहाँ से पकड़ा, कटर के साथ इस तरह प्रेस किया, और ये अब ये काम वैसे पहले आपसे नहीं होगा, ये पहले आपसे मतलब कि इस तरह से प्लास से नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा प्लास को ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद यूँ ये और ये आ जाएगा। ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, थोड़ा सा जोर लगा के ये निकाल लिया। अच्छा जी, अब ये रहा एक वायर, ये तीन होती हैं इसमें, ये 329 कहते हैं, तीन तारें 29,000 होता है, 1,000 कहते हैं इसकी मोटाई को, जब भी तार लेने जाते हैं तो 329 का मतलब होता है तीन तारें और 29 इसका मोटाई, एक मीटर होता है जिसे चेक करते हैं। और इसके बाद 729 होती हैं, 729 में 7 तारें 29 मोटाई होती है। अब ये मैं दो यूज़ करूँगा, वो दो क्यों यूज़ करूँगा उसकी रीज़न है, रीज़न ये है अगर आप इसमें तीन भी यूज़ कर लें कोई इशू नहीं है, चार यूज़ कर लें, पाँच यूज़ कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप कम से कम यूज़ करें। वो इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कि कोई बच्चा कोई गलत चीज़ लगा देता है या कुछ ऐसा, या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो उस केस में ये होगा कि आपकी चीज़ सेफ रहेगी, आपके स्विच बोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उसमें ये तार जो है ना ये जल जाएगी, कम होगी तो जल्दी जल जाएगी, हैवी होगी तो ये नहीं जलेगी, आगे वाली चीज़ जला देगी, आगे वाली मतलब ओवन हो गया, फ्रिज हो गई, ऐसी चीज़ें जो है ना वो जल जाती हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आपको जिस तरह बेहतर लगे आप उस तरह करें, मेरी ना माने। अच्छा जी, अब इनको इनको बड़े एहतियात से करना है और बड़े सब्र के साथ ही करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सब्र वाली हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शोर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, हर जगह हर हालात में तो फिर काम तो करना ही है। आपको सिखाना था मैंने, तो ये मैं काम कर रहा था, तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये नट जो है मैं पूरी तरह नहीं खो रहा हूँ, हाफ हाफ खो रहा हूँ, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये जो नट है इसमें जो ये सुराख है, मैंने पूरी तरह इसे बाहर नहीं निकाला, बस सुराख नज़र आ रहा है, बस इसी तरह आपने भी करना है। अब ये वायर है, अब इस वायर का क्या मकसद है मैं आपको मकसद बता देता हूँ। अब ये बटन, इसका मैंने रखना है कि बटन ऑन हो, जैसे कि ये नीचे बटन ऐसे नीचे हो तो ये दोनों ऑन हो जाए। अब इसका क्या तरीका है, इसका ये तरीका है आपने इन तीनों को मर्ज कर देना है एक वायर के साथ, लाइक दिस वन, ओके जी। बाकी इजाफी जो है यहाँ से वो आप कट कर लें, बाद में कर लें, बाद में करने ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसमें लग गया, ये इसमें लग गया, और ये इसमें लग गया। अब इन तीनों को आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ख़राब ना हो जाए कहीं,
इनका ये इत्याद होती है, यहाँ से इसे भी कट आउट कर दें, ठीक है जी। अब ये दो हैं, इन दोनों को जो जो बची है तार इसे कर दें। मैंने असल में जो है उसके हिसाब से ही वायर जो है वो कट की हुई थी कि दोनों को पूरी आ जाए, और ये पूरी पूरी आई है। ये आपका अंदाज़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता काम जब करेंगे आप तो आपका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसकी वायर को हैंडल करना है। अच्छा, अब ये वायर और ये वायर, अब होगा क्या, ये बटन जब ऐसे ऑन होगा तो करंट इन में आएगा, ठीक है। ऊपर वाले जो दो हैं वो ये हैं, इसमें मैं लगा दूंगा न्यूट्रल यानी कि एन, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं इसमें लगाऊंगा, इसमें नहीं लगाऊंगा, इस वाले में लगाऊंगा। इसका सर्किट मैं पूरा बता चुका हूँ आपको कि क्या काम करता है, किस तरह काम करता है ये बटन। तो इसमें लगाऊंगा जो वायर, तो करंट इसमें आएगा फिर इनमें आ जाएगा। तो ये इसमें हमने एल लगाना है यानी कि पावर जो है लोड, इसमें हमने एन लगाना है। इसकी वायरिंग यहाँ तक की थी। Thank you.